हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। ऐसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स का इंग्लिश का स्पेशल सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को एक मॉक टेस्ट कवर करवा दिया हूँ। ये सभी मॉक टेस्ट फ्रेंड्स आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम, जो आपका सितंबर में एग्जाम होगा या फिर अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम होगा, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो जो हम बताते हैं फ्रेंड्स उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत ही कीमती है। आप लोग के सामने फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन से है, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद सोल्व करने का कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोग इसमें एरर को फाइंड आउट कर पाए होंगे, नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, हम जो बताते हैं फ्रेंड्स उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हार्डली हैड आई रीच्ड द एक्सिबिशन वेयर आई लर्न्ड अबाउट द मेजर रॉबरी नो एरर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए में गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, हार्डली आया हुआ है। हम आप लोग को एक रूल बताते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग के साथ हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ हम लोग वेयर का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ किसका यूज करते हैं, वेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेन का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम ये रूल कई बार बता भी चुके हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को कुछ समझाने के लिए यहाँ पे हम कुछ नोट करके लाए हैं जो आप लोग के सामने आ गया है। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में, यानी अगर कोई सेंटेंस में हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, पहले आप हमको ये बताइए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हार्डली और स्कार्सली क्या है। तो हार्डली और स्कार्सली कैसा वर्ड है फ्रेंड्स, आप लोग को हम प्रीवियस मॉक टेस्ट में बताए थे कि हार्डली और स्कार्सली आपका नेगेटिव वर्ड है, और जिसके साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, अनलेस का प्रयोग नहीं होता है, अंटिल का प्रयोग नहीं होता है, लेस्ट का प्रयोग नहीं होता है, ये सभी क्या है, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। और अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया और लेस्ट हो गया, ये सभी के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, नथिंग का प्रयोग नहीं होता है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। अब बात रह गए फ्रेंड्स कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए हार्डली आया हुआ है, तो हार्डली के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हार्डली के साथ बेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोग बोले सर हार्डली के साथ बेयर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आखिर किसका प्रयोग करते हैं, हार्डली के साथ वेन का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये डिड और हैड का क्या फंडा है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। यहां देखिए आप लोग के क्वेश्चन में भी हैड आया हुआ है, अगर आप लोग को हार्डली या स्कार्सली के बाद डिड दिखे तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हार्डली या स्कार्सली के बाद आपको हैड दिखे तो उसके साथ हम आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो देखिए यहाँ पे किया हुआ है। रीच्ड आपका कैसा वर्ड है फ्रेंड्स, तो रीच आपका आर ई ए सी एच, रीच का वर्ब थर्ड फॉर्म है, रीच्ड आपका कैसा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रेच का आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो एरर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में था, वेयर के जगह वेन का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कुछ भी ना समझ में आया फ्रेंड्स तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज के बारे में नहीं समझ में आया, आप हमको बताइए, 100% श्योर रहे कि आप लोग को रिप्लाई जरूर मिलेगा, नहीं तो फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को करवाया होगा, अगर आप लोग मेरा पुराने स्टूडेंट होंगे तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहा है देखिए, द रीजन व्हाई राकेश कैन नॉट पे द फी इज बिकॉज इट डज नॉट हैव मनी। अब आप लोग गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या आया हुआ है, यहाँ द रीजन भाई आया हुआ है, क्या आया हुआ, द रीजन भाई। हम आप लोग के लिए एक रूल लाए हैं फ्रेंड्स, पहले आप लोग को उस रूल को दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए आप लोग के सामने एक रूल आया है कि द रीजन भाई के साथ किसका यूज होता है, डैट का यूज करता है, द रीजन के साथ किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, ना कि बिकाउज का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, फिर वेन का यूज करते हैं। द रीजन भाई और द रीजन के साथ किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, डैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पे देखिए बिकाउज का यूज किया गया, जो 100% रॉन्ग है, जो आपका 100% रॉन्ग है, क्योंकि द रीजन एंड द रीजन भाई के साथ किसका यूज होता है, डैट का यूज होता है। तो आप लोग के बिकाउज के स्थान पे किसका यूज होगा फ्रेंड्स, डैट का यूज होगा, आप लोग माइंड में रख लीजिए। नहीं तो आप लोग को पीडीएफ फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद ये सारे रूल्स को अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अभी भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगन इंटरटेनिंग देम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे पहले आप लोग एक रूल को समझिए। रूल क्या है? नो सूनर के बाद क्या आता है? नो सूनर के बाद डिड आएगा या फिर हैड आएगा। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा। और नो सूनर हमेशा अपने साथ किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो आप लोग जानते होंगे कि नो सूनर हमेशा अपने साथ देन का प्रयोग करता है। तो आप लोग बोले सर, नो सूनर तो अपने साथ देन का प्रयोग किया है, ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक जबरदस्त मिस्टेक किया हुआ है जो आप लोग को समझना होगा। देखिए हम क्या बता रहे हैं कि नो सूनर के बाद डिड आएगा या फिर हैड आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या कर दिया फ्रेंड्स? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए नो सूनर दे यानी सब्जेक्ट का यूज पहले कर दिया, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब का यूज किया। डिड और हैड क्या है? डिड और हैड आपका एक्जुलरी वर्ब है। क्या एक्जुलरी वर्ब है? डिड और हैड क्या एक्जुलरी वर्ब है। और ये एक्जुलरी वर्ब का यूज नो सूनर के जस्ट बाद में होता है, ना कि उसके सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दे क्या है? दे आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? पहले हम यहाँ हैड का यूज करेंगे और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को ज्यादा अच्छा से समझाने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग को लाए हैं, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में को भी देखिए और उसमें आप लोग अच्छा तरीके से समझ में जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर। देखिए नो सूनर के बाद इसमें किसका यूज किया? डिड का यूज किया है। ये आपका इतना तक राइट है, लेकिन अब आगे बढ़िए। द टीचर इंटर द क्लासरूम, यहाँ तक ठीक है। द स्टूडेंट्स गॉट अप नो ईयर। अब हम आपको क्या बताए थे फ्रेंड्स कि नो सूनर हमेशा अपने साथ किसका यूज करता है? नो सूनर हमेशा अपने साथ देन का यूज करता है। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन में तो नो सूनर आया हुआ है, लेकिन आपको कहीं पे देन लग रहा है? कहीं पे देन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ईयर है आपका ऑप्शन नंबर सी में ईयर हो जाएगा। द स्टूडेंट के पहले आपको देन का यूज करना होगा। देन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है THEN एंड एक होता है THEN। तो आपको नो सूनर के साथ फ्रेंड्स THEN वाला देन का यूज करिएगा। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में भी वही था एंड 4 नंबर का भी क्वेश्चन में वही था, हम आपको समझाने के लिए लाए थे। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनियम से, किसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है? टैकल का आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिर टैकल का हिंदी क्या होता है। तो टैकल का हिंदी होता है कैच, यानी कैच का हिंदी क्या होता है? कैच का हिंदी होता है पकड़ना या फिर थामना। क्या होता है? पकड़ना या फिर थामना। तो टैकल का सिनोनियम क्या होगा फ्रेंड्स? टैकल का सिनोनियम होगा डील। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि डील का हिंदी भी होता है फ्रेंड्स संभालना या फिर किसी को थाम लेना। ओके, एंड अवॉइड का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अवॉइड का हिंदी होता है बचना या फिर अलग रहना, किसी से बचना या फिर किसी से सेपरेट रहना यानी अलग रहना। फॉरगेट का हिंदी क्या होता है? फॉरगेट का हिंदी होता है भूल जाना। एंड नेग्लेक्ट का हिंदी क्या होता है? नेग्लेक्ट का हिंदी होता है उपेक्षा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अस्मग्ज। अस्मग्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका हिंदी जानेंगे। अस्मग्ज का हिंदी होता है फ्रेंड्स धब्बा या फिर दाग लग जाना, मतलब कोई चीज पर धब्बा लग जाना या फिर दाग लगना, उसे क्या कहते हैं? अस्मग्ज कहते हैं। और बात कर ले सिनोनियम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अस्टेन। अस्टेन का मतलब क्या होता है? अस्टेन का मतलब होता है धब्बा या फिर दाग। बात कर ले क्लीन का हिंदी, आप लोग सभी को जानते हैं कि क्लीन का हिंदी होता है साफ सुथरा। सेनेटरी का हिंदी क्या होता है? सेनेटरी का हिंदी होता है स्वास्थ्य। एंड प्योर का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्योर का हिंदी होता है शुद्ध। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से रीड कीजिए, आप लोग को ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, हम आप लोग को जो बताते हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहा है, ऑल्दो हर पुअर, यहाँ HI लिखा गया फ्रेंड्स, इसको कर लीजिएगा, इसको ऑल्दो ही पुअर ही कर लीजिएगा। ओके, ऑल्दो ही पुअर शायद की ही नहीं हीज होगा, क्या होगा? ऑल्दो हीज होगा, HIS हीज, यहाँ R लिखा गया, R के जगह पे हीज कर लीजिएगा, ऑल्दो हीज पुअर होगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो हीज पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ही इज हैप्पी, मतलब सभी गरीब लोग क्या होते हैं? गरीब तो होते हैं लेकिन वह खुश होते हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे क्या बनाएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के जगह क्या फिल होगा? एट का फिल होगा, कॉमा का फिल होगा, या फिर ए एंड बी दोनों का फिल होगा, या फिर बट का फिल होगा? आप लोग नहीं जानते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग एक रूल को नोट कर लीजिएगा, जानते हैं तो बहुत अच्छा, कि ऑल्दो क्या है, ऑल्दो और दो, THOUGH, ऑल्दो और दो के साथ कॉमा और एट का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? चाहे हम कॉमा का यूज कर दें, चाहे हम ऐड का यूज कर दें, किसके साथ फ्रेंड्स?
ऑल्दो या फिर दो के साथ। हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं एंड एट का भी यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स जैसे बेशक लाइक कीजिए, एंड अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप गाली दीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो करना है कीजिए अगर पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज इसे लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीना नोट ओनली विश्ड फिल इन द ब्लैंक्स गिफ्टेड एन आईफोन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, लीना नोट ओनली विश्ड फिल इन द ब्लैंक्स गिफ्टेड आईफोन। यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे नोट ओनली आया। हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं फ्रेंड्स कि नोट ओनली अपने साथ क्या लेता है, तो नोट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करता है। नीदर अपने साथ क्या लेता है, एन आई टी एच ई आर, नीदर अपने साथ क्या लेता है तो आप लोग कहेगा सर नॉर लेता है। बोथ अपने साथ क्या लेता है, बी ओ टी एच, बोथ अपने साथ क्या लेता है तो बोथ अपने साथ एंड लेता है। ईदर अपने साथ क्या लेता है फ्रेंड्स, तो ईदर अपने साथ और का प्रयोग करता है। ओके आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको आर्टिकल को फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स की जगह। ये आपको होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है कि हॉनेस्टी इज के बाद कौन सा आर्टिकल फिल होगा। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में कहीं सर हमको इससे फिल नहीं हुआ, आप हमें बता दीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफे का एंटोनियम फाइंड आउट करना है। आखिर डिफे का अपोजिट वर्ड क्या होता है। सबसे पहले आप लोग डिफे का हिंदी जानिए फ्रेंड्स कि आखिर डिफे का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है ललकारना, किसी को ललकार देना या फिर उससे मुकाबला करना। डिफे का हिंदी क्या होता है, ललकारना या फिर मुकाबला करना। इसका जो राइट अपोजिट वर्ड होगा फ्रेंड्स, यानी इसका जो एंटोनियम होगा, इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी का हिंदी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी का हिंदी होता है फ्रेंड्स आत्मसमर्पण कर देना, मतलब किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। ओके एंड ब्रेव का हिंदी आप लोग सभी को जानते होंगे कि ब्रेव का हिंदी होता है बहादुर। डिफीट का हिंदी क्या होता है, डिफीट का हिंदी होता है हराना। एंड इग्नोर का हिंदी क्या होता है, इग्नोर का हिंदी होता है उपेक्षा करना, यानी कोई किसी के बात पर ध्यान ना देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्लिगेट का भी आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्लिगेट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्लिगेट का हिंदी होता है विधिवत कार्य करने के लिए रोकना। जैसे आप कोई नियमानुसार कार्य कर रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है तो उसे क्या कहते हैं, रोकने का जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब जैसे कोई विधिवत कार्य कर रहा है, कोई नियमानुसार कार्य कर रहा है, उसे कोई रोक देता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कहते हैं। इसका एंटोनियम क्या होगा फ्रेंड्स, यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है, कोई बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है और उसको बचा लेना, ये क्या हो गया, ये इसका एंटोनियम हो गया। मतलब कोई और ऑब्लिगेट का हिंदी क्या होता था, ऑब्लिगेट का हिंदी होता था किसी विधिवत कार्य को रोकना। एंड लेट ऑफ का मतलब समझिए किसी विधिवत कार्य को बढ़ावा देना, यानी उससे कोई रोक रहा है तो उससे बचाना। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फोर्स का हिंदी आप लोग सभी को जानते होंगे कि फोर्स का हिंदी होता है रोकना या फिर बाध्य करना। इनडेप्ट का हिंदी क्या होता है, इनडेप्ट का हिंदी होता है अनुग्रहित करना या फिर खुश कर देना। एंड रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित करना यानी रोकना। ये चारों फ्रेंड्स आपस में एक तरह से सिनोनियम हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ गिवेन ऑप्शन। आप लोग के सामने चार ऑप्शंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा नाउन का फॉर्म है आप लोग को फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप लोग इसे फाइंड आउट कर लिए होंगे। अगर आप लोग मेरा जो आज हम अरिहंत का 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखे होंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे। क्या है देखिए, टॉकिंग। टॉकिंग क्या है, टॉकिंग आपका टॉक का वी फोर है। क्या है, टॉक का आपका वी फोर है। टॉकिंग टॉक क्या है, टॉक आपका वी वन है, जिसका मतलब क्या होता है, बातचीत करना। पनिशमेंट, पनिशमेंट देखिए फ्रेंड्स आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो कोई वर्ड के लास्ट में ई एन टी लगा हो वो क्या होता है, वो आपका नाउन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात कर ले फ्रेंड्स कि पनिशेबल क्या है, तो आप लोग नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो कोई वर्ड के लास्ट में ई बी एल ई या फिर ए बी एल ई लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आपको क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी पनिशेबल क्या है, पनिशेबल आपका एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट आपका नाउन है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। यानी देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने ये वर्ब दिया हुआ है, क्या वर्ब है? अप्रूव। अप्रूव का आपको नाउन फॉर्म को फिल करना है, यानी नाउन फॉर्म को फाइंड आउट करना है। अब देखिए अप्रूविंग, अप्रूव क्या था? अप्रूव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आई एन जी लग जाने पर क्या होता है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाता है, यानी वर्ब का चौथा रूप। एंड अप्रूवल क्या है फ्रेंड्स? अप्रूवल आपका ये नाउन फॉर्म है। आप लोग एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो कोई वर्ड के लास्ट में ए एल लगा रहे या फिर ई एल लगा रहे, वो क्या होता है, वही आपका नाउन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अप्रूव्ड क्या है फ्रेंड्स? तो अप्रूव्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किसका? अप्रूव का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अप्रूव क्या है फ्रेंड्स? तो अप्रूव का वर्ब का फाइव फॉर्म है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या कह रहा है, हम लोग इसे पढ़ते हैं। ही सैड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज गोइंग टू अ स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ही इज गोइंग टू अ स्कूल आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ही इज, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका ही इज गोइंग टू अ स्कूल आया हुआ है और यहाँ पे सैड या सैड टू आया हुआ है। हम आपको क्या बताते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सैड या सैड टू आता है तो ये जो रिपोर्टिंग भर होता है फ्रेंड्स, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे इज गोइंग आया हुआ है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा या फिर बियर लगेगा। तो आप लोग कहेगा सर ही के साथ वॉज लगेगा, क्योंकि इज किस में चेंज होता है फ्रेंड्स, इज आपका वॉज में चेंज होगा, डब्ल्यू एस वॉज में चेंज होगा या फिर वर में चेंज होगा, डब्ल्यू ई आर वेयर में चेंज होगा। अब हम लोग को देखना है कि वॉज या वेयर किस में आया हुआ है, तो आप लोग को कुछ और बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा और वीडियो में बने रहेगा। क्या है देखिए, एक फॉर्मूला था एस ओ एन सन, एक क्या होता है सन का फॉर्मूला होता है, और नीचे में लिखे वन टू थ्री, आप लोग ये पढ़े भी होंगे, अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो आप लोग को जो समझा रहे हैं। देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, नो का मतलब होता है फ्रेंड्स नो चेंज। अगर आपके सामने फर्स्ट पर्सन आए, यानी वन आए, यानी फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, आई और बी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, कल भी आपको बताए थे। सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो सेकेंड पर्सन आपको यू के कहते हैं, यू को आपको सेकेंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो ही सी इट नेम जो भी रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ही क्या है, ही आपका थर्ड पर्सन है जिसमें नो चेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो हमको ये देखना है कीज के बदले वॉज या वेयर किस में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो आर आया हुआ है, इसके इसको इलिमिनेट करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर सी में आई आया हुआ है, ए उसके साथ क्या आया हुआ है, एम भी आया हुआ है, इसलिए हम इसको भी इलिमिनेट करेंगे। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब हम लोग देखते हैं ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है फ्रेंड्स, तो ही आपका नो चेंज होता है, यानी ही के स्थान पर ही ई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यू कहाँ से आ गया, इसलिए यू को हम इसको इलिमिनेट करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज करने के लिए करा है फ्रेंड्स, किसमें, आपका जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हम इसलिए ही कहते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग पहले डायरेक्शन को पढ़े, डायरेक्शन में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है चेंज पैसिव टू एक्टिव वॉइस, मतलब ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है ये पैसिव में है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। अब देखिए हम आपको सिखाते हैं कि पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ देखिए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम लिखा हुआ है, हम सिंपली क्या आपको कहते थे फ्रेंड्स कि अगर कोई एक्टिव वॉइस में हैज आए तो उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ बीन को बजाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका पैसिव वॉइस है तो इसमें बीन को बजाया हुआ है, यानी बीन ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, बीन को काट देंगे और हैज और हैव अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करता है, आप लोग कहेंगे सर ये तो अपने साथ भीथरी का यूज करता है जो यहाँ पे क्या हुआ है। अब हम लोग को क्या देखना है फ्रेंड्स कि पैसिव वॉइस में मेरा ऑब्जेक्ट कौन है। तो आप लोग कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो मेरा हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप लोग कहेगा सर हिम का सब्जेक्टिव केस तो ही होता है, ही का हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, जो आप लोग को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे हिम आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। अब हम लोग को देखना है फ्रेंड्स कि ही कौन कौन सा ऑप्शन में आया हुआ, तो आप लोग कहेगा सर ही तो आपका चारों ऑप्शन में आया हुआ, तो आप लोग को क्या देखना है, अब देखना है फ्रेंड्स यहाँ पे हैज लगा हुआ था तो ही के साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो आप लोग कहेगा सर ही के साथ, तो ही आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ हैज लगेगा। अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन में
हैज लगा हुआ है। अब आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी में हैज लगा हुआ है एंड ऑप्शन नंबर ए में हैज लगा हुआ है एंड ऑप्शन नंबर आपका बी में हैज लगा हुआ है, हैड ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है, इसलिए सी वाले ऑप्शन को इलिमिनेट कर देंगे। अब बात रह गई फ्रेंड्स कि हम ए को राइट करेंगे, बी को राइट करेंगे या फिर डी को राइट करेंगे। चलिए हम बारी बारी से तीनों ऑप्शंस को रीड करते हैं। देखिए ही हैज, तो हैज अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करता है फ्रेंड्स, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करता है, और राइटिंग क्या है फ्रेंड्स, राइटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को भी इलिमिनेट करेंगे। दो ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। अब बात रह गए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को हमको देखना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। देखिए ही हैज रिटन ए लेटर, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग को ऑप्शन नंबर डी को देखना कि ये भी सही हो सकता है। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग का बीन बजाया हुआ था तो हम क्या किए थे, बीन को एलिमिनेट कर दिए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या किया है फ्रेंड्स, इसके साथ बीन को लगा दिया और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू कट ए पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी, मतलब कोई पर्सन है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है, सोच लीजिए कि हम ही हैं और मेरा कोई शरीर का अंग कट गया, जैसे मेरा कोई अंगुली कट गया, मेरा पैर कट गया, तो उसे क्या कहते हैं, कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो कटे हुए भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एम्प्यूटेट, मतलब शरीर के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट कहते हैं। एंड म्यूटिलेट किसे कहते हैं, म्यूटिलेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो म्यूटिटेट कहते हैं लंगड़ा लूल्हा बनाना, जैसे कोई आदमी है उसको मार पीट कर लंगड़ा लूल्हा बना दिया, उसे क्या कहते हैं, म्यूटिलेट कहते हैं। एंड एम्बस्केड किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो एम्बस्केड कहते हैं छिप कर आक्रमण करने वाला, जैसे कोई क्या होता है छिप छिप कर किसी पे आक्रमण करता है, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्यूस्केड कहते हैं। मिटिगेट किसे कहते हैं, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, क्या ना, कम करना। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो इसे बेशक लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग बेशक इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो कराऊँ फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और जहाँ जहाँ तक इस वीडियो का जरूरत है फ्रेंड्स वहाँ वहाँ तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप लोग इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।